हाँ जी फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एक तो भाई सारे बच्चे पहले एक बार चेक कर लो एवरीथिंग इज क्लियर पिक्चर क्वालिटी एवरीथिंग इज क्लियर गाइस किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है सारे बच्चों को भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज वेरी वेरी गुड इवनिंग आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज चलिए दोस्तों दोस्त आज हम लोग ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साथ अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का uh, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बच्चा जब आप अपना आईसीआई का मॉड्यूल देखोगे ना तो उसमें पहला टॉपिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन था जो हमने करा ठीक है दूसरा टॉपिक हमारे पास था उसकी टर्म्स तीसरा था उसके प्रिंसिपल्स हमने ये तीनों टॉपिक कर लिए मतलब मैं आपको बिल्कुल आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करा रहा हूं। आई एम नॉट फॉलोइंग एनीथिंग एल्स आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ आईसीआई मॉड्यूल तो दोस्त अगर आप इसमें नोटिस करोगे हमारे पास अभी तक हम तीन टॉपिक्स कर चुके हैं नंबर वन वॉज अकाउंटिंग इंट्रो छोटा सा टॉपिक था थ्योरी पार्ट नंबर टू वॉज हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स मैंने उसके नोट्स आप लोग को ऐप में डाल दिए थे अब अगर आप यहां पे चेक करोगे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अप्रोक्सीमेटली थर्टी थर्टी फाइव मिनट्स बिफोर द क्लास मैंने आपको ये नोट्स भी ऐप में डाल दिए हैं ठीक है बच्चे ये नोट्स अपने पास संभाल के रखे ये नोट्स आप लोग को बहुत यूजफुली काम आएंगे ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स का डिफरेंसेस देखिए हम जब बिजनेस करते हैं ठीक है या जब हम अकाउंट्स बनाते हैं दोस्त सारे बच्चे जरा अच्छे से सुन लेना जब आप बिजनेस करते हो या जब अकाउंट्स बनाते हो ना तो आपके पास बहुत सारे ऐसे वहाँ पर टर्म्स आती हैं जो आपने पहले सुनी तो होती है बट उनकी डिटेल मीनिंग आपको क्लियर नहीं होती आपने सुनी होगी वो टर्म्स ऑब्वियसली आपने सुनी होगी बट उसका जो डिटेलिंग है वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा ठीक है तो अब हमने उसी चीज को क्लियर करना है आप लोगों ने एक बात सुनी होगी शायद बचपन में अगर हम कोई एक्सपेंडिचर की बात करें ना दोस्त तो एक्सपेंडिचर होता है दो तरीके का ठीक है एक हम उसको कहते हैं बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर जरा अच्छे से मेरी बात सुन लेना दोस्त एक हम कहते हैं बच्चा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट दूसरा हम क्या कहते हैं भाई दूसरा उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी तरीके से आपके पास रिसीप्स होती हैं. रिसीप्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं एक हमारे पास जो आता है उसे कहते हैं कैपिटल रिसीप्स ठीक है और एक हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हम रेवेन्यू रिसीप्स क्या बोलते हैं बच्चा उसे रेवेन्यू रिसीव्स तो एक हमारे पास आएगी कैपिटल रिसीव्स और एक होगी रेवेन्यू रिसीव्स तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक करके तो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी आइटम इन डिटेल राइट ओके आपको याद होगा जब मैं ये थोड़ी टर्म्स करा रहा था मुझे बच्चे पूछ रहे थे सर ये बताओ वो बताओ मैंने कहा बेटा रुक जा अभी मत पूछ अभी मत पूछ कोई फायदा नहीं है बिकॉज मैंने तुझे डिटेल में सारा कुछ बताना ही बताना है तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे दोस्त हमारी डेफिनेशन है सबसे पहली फर्स्ट डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एस कैपिटल एक्सपेंडिचर अब बच्चा मुझसे सवाल करेगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्त बहुत सिंपल सी बात है देख भाई कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम इनकर करते हैं तीन चीजों के लिए नंबर वन टू एक्वायर द एसेट मतलब एसेट को खरीदना ठीक है तो आप याद करोगे भाई ए ऐसे लर्न करो मेरा कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंने एसेट को खरीदने के लिए करा ठीक है याद रखिएगा दूसरा टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ एन एंड्यूरिंग नेचर मतलब उस एसेट का बेनिफिट लेने के लिए ऑब्वियसली तुम कोई एसेट लोगे उसका बेनिफिट लोगे ठीक है तीसरा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी दैट मींस टर्म आएगी पी ठीक है सो आपको याद रखना है दोस्त ए बी पी इस तरह से याद करिए बच्चा ठीक है ए बी पी तो ये बच्चे याद कर ले बेटा इसका डेफिनेशन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है अच्छा अब यहां पर इसका फुल फॉर्म कुछ भी प्यार सा बना लो मोहब्बत से क्या आजा बिल्लो प्यारी कुछ भी फॉर्म बना लो आजा बिल्लो प्यारी तो भाई बिल्लो को आप प्यार से बुला रहे हो एबीपी कुछ भी बना लो भाई ठीक है आज आप बिल्लो प्यारी आपको याद रहेगा सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तीन बातों का होना बहुत जरूरी है ठीक है नंबर वन याद रखना नंबर वन क्या बोलता है कि आप एसेट को खरीदोगे नंबर टू क्या बोलता है आप एसेट का बेनिफिट उठाओगे नंबर थ्री क्या बोलता है वो एसेट आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है वो क्या करता है वो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो ये तीन बातें आपकी एक साथ satisfied होती हैं, तो वो खर्चा आपका capital expenditure है, है? ठीक ये बात दिमाग में रखेंगे अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं दोस्त बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल सारे बच्चे जरा मेरे साथ समझना इस, इस को। सारे बच्चे बड़ा मेरे साथ इस एग्जाम्पल को समझिएगा ये जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं तो एक मिनट के लिए भाई हम इधर आ जाते हैं और ये एग्जाम्पल को समझिए मैं आपको एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूं अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी खरीदी लेट से आपने कोई एक लग्जरी कार खरीद ली ठीक है अब एक छोटी सी बात सुनिए जैसे दोस्त हम यहां पे बात करते हैं मान लो भाई आपने एक मर्सिडीज खरीद ली लेट से भाई हमने यहां पर क्या खरीदा भाई मर्सडीज खरीद दी तो ये मर्सडीज को हम लोग यहाँ पे ले आते चलो भाई अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा अच्छा मजा भी आएगा सुन के नहीं सपोज कर लो दोस्त हमने मर्सडीज खरीद ली चलो भाई सपने बड़े होने चाहिए इंसान के याद रखना मेरे भाई सपने इंसान के बड़े होने चाहिए सपने बड़े होंगे बड़ा तभी तो उसको पूरा करने की ताकत आती है याद रखना मेरे दोस्त सपने बड़े होंगे तभी तो उसको पूरा करने की ताकत आती है तो सपने इंसान के बड़े होने चाहिए तो ये सोच लीजिएगा दोस्त तो अपना क्या फंडा है दोस्त सपोज कर लो हमने प्लान करा चल यार हम मर्सिडीज खरीदेंगे अच्छा अब अगर सपोज कर लो मर्सिडीज खरीदना मेरे लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो आप सबसे पहले मुझे बताइए मान लो मैं मर्सिडीज खरीद रहा हूं मान लो तो क्या वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है मुझे ये देखना नंबर वन अगर मैं इसको ए करूंगा, ए करूंगा मतलब मैं इसको अगर कर लूंगा तो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहली बात प्रूफ कर गया दूसरा अगर मैं मर्सिडीज खरीद कर इसका बेनिफिट उठाऊंगा ऑब्वियसली बेनिफिट उठाऊंगा तीसरी बात कर गया अगर मान लो ये मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है ऑब्वियसली यार जब तुम मर्सिडीज में घूमोगे तुम और मोटिवेट होते हो काम करने के लिए तुम थकोगे नहीं सपोज तुम्हारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है तुम्हारी लग्जरी कार होगी यू विल नॉट गेट टायर्ड तुम्हारा वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाता है राइट right? सो so ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिव या इंक्रीज करता है आपकी कैपेसिटी को तो अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास फंडा ना प्रूव हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं सो so याद रखना मेरे दोस्त सपने बड़े रखो पूरे अपने आप होंगे ठीक है अपने ऊपर भरोसा रखो अपने सपने बड़े रखो अपने आप पूरे होते जाते बस खाली ये फंडा याद रखिएगा लाइफ का है क्युं? राइट तो right? अब जैसे आप सपोज कर लो आप मशीन खरीदते हो तो मशीन खरीदते हो मशीन के आप ओनर बन जाओगे आप मशीन खरीदोगे मशीन का एडवांटेज या बेनिफिट भी उठाओगे मशीन खरीदोगे तो मशीन आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देगी राइट right? तो याद रखना दूसरी बात इसमें ये होता होता है 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 कि इसका जो बेनिफिट ना वो नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिलता क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खरीदे गए सारे एसेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं तो सारे बच्चे एक बात समझ लेना बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर में किए गए सारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है और सुनना बच्चा ये नोट्स बहुत ही क्लियर हैं बहुत ही अच्छे से आपको मैंने प्रेजेंट करके दे दिए हैं अगर आप देखोगे बच्चा ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं क्यों बिकॉज आपके पास हर चीज़ को मैंने टेबल में बना के दे दिया ठीक है अगर मैं बच्चों को बोलूँ उसको कॉपी करने बैठ बैठा बहुत टाइम लगेगा और हमारा सिलेबस वैसे भी अच्छा खासा है दोस्त हम थ्योरी चैप्टर में इतना टाइम लगा दें कॉपी करने में तो हम बेवकूफ़ हैं राइट तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन कॉपिंग इट डाउन इसलिए नोट्स को कहता हूँ बच्चों को सेव कर लो अच्छा अब जैसे हम बात करते हैं बच्चा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक सिंपल सा फंडा करेंगे भाई हमेशा एसिड अकाउंट को डेबिट करना है जब भी तू कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदेगा मेरे भाई जब भी तू मर्सिडीज खरीदेगा तू वहां पर कार अकाउंट को डेबिट करेगा याद तो जब भी तू मर्सिडीज खरीदेगा मेरे दोस्त तू किसको डेबिट करेगा कार अकाउंट को तू एक्सपेंस अकाउंट थोड़ी डेबिट करेगा जैसे सपोज लैंड बिल्डिंग खरीदना प्लान मिक्सर खरीदना अपना प्लान मशीनरी फर्नीचर फिक्सर सब हमारे पास क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने क्या सुना बच्चा ए बी पी सुना बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड और आप डेबिट किसको करते हो रेस्पेक्टिव एसेट को ठीक है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में हमेशा कहा जाता है बैलेंस शीट के से तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है फिर बच्चे का सवाल उठेगा सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन करो लो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जरा दोस्त।, दोस्त मजे से शाम को नींदे खोल लेना बिकॉज हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है पहले वो करता है एम एम मतलब याद रखना मेंटेन द प्रोडक्टिविटी मतलब ये इंक्रीज नहीं करता वो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है ये मेंटेन करता है ठीक है याद रखना ये कहती है भाई मेंटेन करना है सिर्फ प्रोडक्टिव कैपेसिटी को और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है ठीक है मतलब आपके पास बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करता है याद रखो राइट right? तो अब आप इसमें क्या करोगे इस तरह से लगा, लगा लो बेटा मतलब मेंटेन करता है दूसरा बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाने में हेल्प करता है ओ राइट right? तो आपको याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर एबीपी ठीक है आ जा बिल्लो प्यारी कुछ भी बना लो ठीक है अच्छा और एमओ एमओ का भी कुछ भी अच्छा सा फुल फॉर्म बनाओ चलो मैं बच्चों पे छोड़ता हूँ देखता हूँ मेरा कौन सा बच्चा एमओ का अच्छा सा फुल फॉर्म मुझे बना के दिखाता है लेट्स सी मैं बच्चों पे छोड़ रहा छोड़ा भाई देखिए मेरा कौन सा दोस्त मुझे बढ़िया सा फुल फॉर्म एमओ का बना के दिखाता है लेट्स सी सबसे अच्छा जो लगेगा उसका नाम रख देंगे अब ये बच्चों पे छोड़ा कुछ बच्चों का भी फर्ज बनता है भाई फुल फॉर्म सारे मैं थोड़ी बनाऊंगा जल्दी से बताओ बढ़िया सा एमओ का फुल फॉर्म देखू बच्चों का माइंड कितना एक्टिव है इस टाइम पे मेरे साथ बेटा एम से हो गया मेंटेन करना ओ से हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना तो जो चीज आपके सिर्फ बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मेंटेन करती है ठीक है और जो आपके बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस को करने में हेल्प करती है दिस इज बेसिकली कॉल्ड आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं वेट कर रहा हूं बच्चा लो भाई महारानी उमानी नहीं मजा नहीं आया दोस्त कुछ बढ़िया सा बनाइए कुछ अच्छा सा बनाइए तो मजा भी आया कुछ सुन के ओके okay. मैच ओवर अच्छा ठीक है मैच ओवर हाँ दिस इज नाइस ओम ठीक है उल्टा पढ़ लो तो उसको ओम बन जाता है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ रवनीत हम इस तरह से कर सकते हैं माई ओन मतलब जैसे हो गया आजा बिल्लो प्यारी माई ओन बिल्लो कुछ भी बना लो बेटा

सीट कवर्स को चेंज करने से गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ती है नहीं गाड़ी क्या ज्यादा माइलेज देती है नहीं वो सिर्फ कार को ब्यूटीफाई करता है मतलब कार को मेंटेन कर रहा है या मान लो कभी दो तीन साल बाद गाड़ी के सीट कवर फट गए मैंने उसको चेंज करा येस येस तेजस मनी ऑर्डर इज ऑल्सो गुड यस तेजस मेरे भाई मनी ऑर्डर इज ऑल्सो गुड ठीक है तो बेटा अब यहां पर मेरे भाई आपके पास uh, क्या फंडा है मेरे भाई याद रखो अब मान लो अगर सपोज कर लो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं गाड़ी का वहां पर अंदर का इंटीरियर चेंज कर रहा हूं जस्ट टू ब्यूटिफाई द कार अब आप दिमाग लगाओ यार जो गाड़ी का मैं अंदर का इंटीरियर चेंज कर रहा हूं गाड़ी को सिर्फ ब्यूटिफाई करने के लिए तो वो गाड़ी की सिर्फ मेंटेनेंस है दिमाग लगाओ दोस्त वो गाड़ी की क्या है वो गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ मेंटेनेंस है ठीक है वो गाड़ी की कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाता तो वो सारे खर्चे कौन से हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये फंडा आपको दिमाग में रखना है और ये जो बेनिफिट देता है इसका बेनिफिट नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा नहीं होता तो सारे बच्चे जरा याद रखना दोस्त जो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है वो आपका कभी भी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा नहीं होता नंबर थ्री याद रखिएगा हम इस केस में हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करते हैं एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग में भी आ सकता है एक्सपेंस आपका पीएल में भी आ सकता है जैसा बच्चों को शायद सुना होगा बच्चों ने दोस्तों कि डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग और अगर इनडायरेक्ट होगा तो पीएल लाइक बिल्डिंग की डेप्रीसी मशीनरी का रेंट रिपेयर इंश्योरेंस ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या सीखा आपने एमओ सीखा ठीक है ओम या माय ओन मनी ऑर्डर कुछ भी कह लीजिए दूसरी बात आपने क्या सीखा कि भाई इसका खर्चे का बेनिफिट एक साल से ज्यादा का नहीं होता तीसरी बात आपने क्या सीखी इसमें आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो चौथी बात आपने क्या सीखी आपका जो इसका नेचर है डिप्रिसिएशन रेंट ऑफ मशीन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ये सारा आपके पास क्या है बच्चा दीज आर ऑल योर

ये होता है दोस्त इसमें ए बी पी होता है मतलब इसमें एक पोजिशन बेनिफिट और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है इसमें क्या होता है एम ओ होता है मतलब मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम चलाते हैं नॉर्मल कोर्स में ओके इसका बेनिफिट बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड होता है इसका बेनिफिट याद रखिएगा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा नहीं होता इसमें हम लोग एसेट को डेबिट करते हैं इसमें हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो आप देखोगे ये दोनों पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं खाली उसका टेबल प्रेजेंटेशन नीचे दे दिया कि कैपिटल रेवेन्यू का क्या होता है एग्जाम्पल हमारे पास आगे बेटा दोनों के तो एग्जाम्पल भी जो ऊपर लिखे थे उसी को नीचे टेबल में बना दिया राइट right? अब बच्चे याद करो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होगा प्यारे भाई बहन सारे के सारे मुझसे पूछते थे सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ deferred revenue expenditure बताओ सर क्या होता है देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं deferred revenue expenditure क्या होता है मैंने कहा था ना बेटा सब बताऊंगा ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर deferred revenue expenditure क्या होता है ये बताइए चलो अब मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ. deferred revenue expenditure ना एक आपको थोड़ा सा पिक्चर के साथ प्रेजेंट करता हूं अब ये देखिए अब जैसे आप यहां पे देखोगे दोस्त आप देखोगे ऐसे जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं आप देखोगे शहरों में ऐसे करके बड़े बड़े सुंदर से होर्डिंग्स लगे होते हैं इफ यू जस्ट चेक इट आउट ठीक है यहां पे देखिए दोस्त आप देखोगे दोस्त बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ये देखिए अब आपको पता है हम ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स क्यों लगवाते हैं एक सिंपल सा फंडा जो आपको समझना है हम ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स क्यों लगवाते हैं हम ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग सिर्फ इसलिए लगवाते हैं बिकॉज हम अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं राइट right? तो क्या होता है कि बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में जरा गौर करिएगा मेरी बात पे बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में

ठीक है बेसिकली वो रेवेन्यू होते हैं पर आप मुझे बात बताओ जब तुम एडवर्टीजमेंट करते हो जब तुम बड़े बड़े एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो सपोज कर लो एक फैशन ब्रांड है यू मैंने यू को लॉन्च करा एक स्टार्टिंग में धमाकेदार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया अब आप सारे बच्चे दिमाग लगाओ कि ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करा इसका बेनिफिट क्या मुझे सिर्फ एक साल मिलेगा ठीक है नहीं इसका बेनिफिट हो सकता है तीन साल चार साल पांच साल भी जा सकता है तो इसका बेनिफिट दोस्त मुझे एक साल नहीं मिलेगा हो सकता है बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड चला जाए ठीक है है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलेगा राइट तो ये बेसिकली जो मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं ना इसको हम कहते हैं डी आर ई दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई मीन टू से कि इवन दाओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मैंने आपकी बात मान ली कि इवन दाओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट ये डेफर हो जाता है डेफर मतलब इट इज मोर देन वन ईयर मतलब इसको हम एक साल से ज्यादा में राइट ऑफ करते हैं इसको हम एक साल से ज्यादा में राइट ऑफ करेंगे ठीक है तो इसको हम करते हैं मोर देन वन ईयर तो ये बात दिमाग में रखिएगा इसको हम बोलते हैं डेफर्ड

मान लो आपने उसकी लाइबिलिटी इनकर कर दी याद रखना खर्चा करा आपने उसकी लाइबिलिटी इनकर कर दी पर उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिले ठीक है ओके इन शॉर्ट इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर फॉर द टाइम बीइंग डेफर्ड फ्रॉम बीइंग चार्ज टू इनकम मतलब तुम वो सारा खर्चा एक साथ ही पीएल में नहीं डाल सकते ठीक है उसको धीरे धीरे करके डालोगे तो सच सस्पेंशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑपरेशन मे बी ड्यू टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस एंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम मतलब वो एक्चुअली खर्चा इतना ह्यूज होता है कि तुम एक साथ ही सारा खर्चा तुम अपनी किताबों में नहीं दिखा सकते राइट right? तुम एक साथ ही अपना सारा खर्चा किताबों में नहीं दिखा सकते हो तो बोलते हैं उसका बेनिफिट भी लंबे समय के लिए आने वाला है और तुम्हारा जो नेचर ऑफ एक्सपेंस है तुम उसको धीरे 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 तीन चार सालों में राइट ऑफ करो राइट अच्छा तो ये जो हमारे खर्चे उतना दोस्त इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब देखो पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा सर एक बात बताओ ये रेवेन्यू कैसे है बेटा रेवेन्यू बहुत सिंपल है जब तुम ऐसी होर्डिंग्स वगैरह लगाते हो आप मुझे बताओ ये होर्डिंग क्या आपकी हो जाती है नहीं ना तो आप इसको बाय थोड़ी कर रहे हो ये होर्डिंग आपकी थोड़ी हो रही है आप सिर्फ इस होर्डिंग का रेंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे करते हो राइट जो इस पे डिजाइन होते हैं वो आप उसके लिए रेंट पे करते होर्डिंग खरीद थोड़ी लेते हो आप होर्डिंग मैंने खरीद ली तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बात को समझो तुम बोलोगे सर मैंने होर्डिंग खरीद ली तो ये होर्डिंग क्या मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना क्योंकि मैंने इसको खरीदा है आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट मैंने इसको खरीद थोड़ी ली है तो ये मेरे सिर्फ एक प्रमोशन का जरिया है तो पहली बात मैं कोई चीज खरीद नहीं रहा मतलब इक्वायर नहीं कर रहा इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ठीक है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है अच्छा एक मेरा बच्चा सवाल पूछ रहा कहता सर लाइबिलिटी कैसे अरे लाइबिलिटी है ना यार अगर तुमने सपोज कर लो ये खर्चा अभी आपने कर लिया बट इसके पूरे पैसे नहीं दिए अगर तुमने खर्चा कर लिया दोस्त पर तुमने इसके पूरे पैसे नहीं दिए तो वो लाइबिलिटी है अभी तुमने पैसे हैं देके ठीक है तो दैट इज नोन एज इिटी सपोज कर लो तुमने एडवर्टीजमेंट बजट की होर्डिंग लगवा दी एक लाख रुपए तुम्हारा प्लान हो गया तुमने अभी सिर्फ पेमेंट करी है बाकी तो करनी है ना भाई ठीक है अब ये तुम्हारी एक हिसाब से उधार वाला काम हो गया तो तुम्हारी लाइबिलिटी है तो दोस्त ये बात याद रखिएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिर्फ नाम पहली बात रेवेन्यू क्यों पड़ता है अच्छे से सुन लेना क्योंकि हम इसमें कोई एसिड नहीं खरीदते हैं ठीक है बिजनेस को चलाने के लिए प्रमोट करने के लिए किया गया खर्चा राइट right? तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डेफर इसको इसलिए करते हैं मतलब क्यों क्योंकि इसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू में यही फर्क है कि रेवेन्यू में आपको जो बेनिफिट होता है वो आपको सिर्फ याद रखिएगा रेवेन्यू में जो आपको बेनिफिट होता है दोस्त वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक साल का मिलता है बट जो डेफर रेवेन्यू होता है ना बच्चा उसका बेनिफिट आपको आने वाले चार पांच छह सालों तक मिलता रहता है तो बच्चे ये बात दिमाग में रखेंगे ठीक है सो डेफर मीन्स समथिंग विच इज डिलेड बाय मोर देन वन ईयर तो याद रखना बच्चा डेफर का मतलब ही होता है डिलेड बाय मोर देन वन ईयर तो अब आप इस डेफिनेशन को मेरे साथ एक बार दोबारा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज अ डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस द बेनिफिट फ्रॉम इट विल बी अवेलेबल ओवर नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स ठीक है तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है पहले आपको मैं यह भी बता देता हूं सपोज कर लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा एक लाख रुपया मैंने एक्सपेक्ट करा भाई साहब अगले पांच साल तो मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है तो मैं क्या करूंगा सपोज करंट ईयर में जो मैं पीएल बना रहा हूं करंट ईयर में जो मैं पीएल बना रहा हूं दोस्त मैं क्या करता हूं एक लाख को मैं पांच से डिवाइड कर देता हूं तो बीस हजार रुपया करंट ईयर में मैं राइट ऑफ कर रहा हूं ना बीस हजार रुपया जो मैं करंट ईयर में राइट right ऑफ कर रहा हूं भाई मेरे वो मेरा खर्चा पीएल के डेबिट साइड पर जाएगा कहां जाएगा पीएल के डेबिट साइड पे पीएल के डेबिट साइड पे ठीक है अब जो बाकी बैलेंस है बाकी जो बैलेंस है बाकी बैलेंस अस्सी हजार रुपया वो जाता है बैलेंस शीट के एसिड साइड पे एक हेडिंग होती है बैलेंस शीट में जिसको कहते हैं मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं भाई मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर उसमें चली जाती है ठीक है बेसिकली ये क्या होता है बच्चा ये एक तरह से पिक्टिशियस एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है जितने बच्चों को ये सब टर्म्स नहीं पता अच्छे से समझ लेना ये रियलिटी में एसेट नहीं होता इसको हमने राइट ऑफ करना होता है तो हम उसको उठा के कहां डाल देते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे तो जो आपका राइट right ऑफ वाला पोर्शन होता है जितना आपने इस साल राइट right ऑफ कर दिया उसको आप डालते हो पीएल के डेबिट साइड पे जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है बैलेंस बैलेंस इज रिमेनिंग पोर्शन उसको हम लोग क्या करते हैं उठा के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डाल देते हैं तो सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे तो इसी को पढ़ेंगे आप नॉर्मली सच एक्सपेंडिचर शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर थ्री टू फाइव इयर्स द रिटर्न ऑफ पोर्शन इज डेबिटेड टू पीएल

ओके okay, दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए सारे बच्चे डी आर ई क्लियर अगर तो बच्चा डी आर ई क्लियर है तो मुझे सारे बच्चे बेटा अप्रिशिएट करके जल्दी से बता दो भाई कि डी आर ई क्लियर है मुझे हर बच्चे का एक प्यार भरा मैसेज चाहिए सर डी आर ई क्लियर जल्दी से दोस्त वेट कर रहा हूं नवलीन जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा बहुत सिंपल है जितना तुम राइट ऑफ करोगे उतना तुम पीएल में दिखाओगे बाकी जो तुम्हारा बैलेंस होगा वो तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा जैसे बच्चा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको क्या जितना सपोज एक लाख रुपया तुम्हारा खर्चा था पाँच सालों के लिए था सपोज तुमने राइट ऑफ करा पहले साल बीस हजार तुमने पहले साल कितना राइट ऑफ करा ट्वेंटी थाउजेंड तो जो तुमने ट्वेंटी थाउजेंड राइट ऑफ करा वो तुम्हारा चला गया पीएल में और बाकी जो बैलेंस है वो चला जाएगा बैलेंस शीट के एसिड साइड ठीक है सो नवलीन वैभव प्लीज बता दो बच्चा आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर है आई uh, थिंक दो बच्चों ने मैसेज करा है नवलीन एंड वैभव प्लीज बच्चा फटाफट -फड़ से बता दीजिए दोस्त आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर है दोनों को बड़ा बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है जितना राइट ऑफ करते जाओगे इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं जैसे हम डिप्रिसिएशन करते हैं जैसे एक लाख का खर्चा करा ना पांच साल आपका पीरियड है राइट right? तो आप एक लाख को पांच से डिवाइड कर दोगे क्या करोगे बीस हजार रुपया करंट ईयर में राइट ऑफ बाकी जो बैलेंस है वो आप क्या करोगे बैलेंस उठा के एसेट साइड पे डाल देते हो ओके दोस्तों आई होप इज क्लियर विद दिस दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट चलिए अब आते हैं कुछ मजेदार गेम खेलते हैं ठीक है भाई साहब अब मैं थोड़ा सा एक मजेदार गेम खेल लूंगा दोस्तों के साथ और इसको करेंगे धमाकेदार जूम ठीक है आप लोगों ने बड़ा ईमानदारी से नोट्स नहीं खोलने ठीक है आप लोगों ने क्या करना है दोस्त ईमानदारी से नोट्स नहीं खोलने चलिए सर कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया सर आपने यस मेरे बच्चा ज्यादा ही जूम कर दिया अब मैं बच्चों से सवाल करूंगा बेटा ईमानदारी से ज़रा मेरे बात का जवाब देना इधर उधर मत देखना गूगल पे मत सर्च करना देखो मजा पता है क्या आता है हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में मजा आएगा इनको करके हमें एक अजीबो गरीब खर्चे लिखे होंगे मैंने पूरा टेबल बना के दिए ठीक है मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको पूरा टेबल बना के दिया है मैं इसको पर्पजली जूम कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको हाइड कर रहा हूं आंसर्स को ठीक है मैं आंसर्स को हाइड कर रहा हूं तो मुझे जरा बच्चे बड़ा मजेदार तरीके से यह बताओ दोस्तों कि कौन सा खर्चा कहां पे आता है ठीक है बच्चे क्या करेंगे दोस्त मुझे यह बताएंगे दोस्त कौन सा खर्चा कहां पे आता है चलिए पहले मुझे यह बताइए सबसे पहले कैपिटल है कि रेवेन्यू हमने क्लासिफिकेशन करनी है ठीक है पहला हमारा काम क्या होगा कौन सा खर्चा कैपिटल कौन सा खर्चा रेवेन्यू ठीक है हमने बच्चा पहले यह दीजिए देखनी है सबसे पहला एक्सपेंस ऑन फॉरन टूर टू परचेज अ मशीनरी आप मुझे एक बात बताइए सपोज कर लो भाई साहब हमारे एक डायरेक्टर हैं सपोज़ कर लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कर लो भाई साहब हमारे एक डायरेक्टर भैया हैं डायरेक्टर भैया को हमने क्या करा उसको बोला जा भैया जरा यू से चले जा और एक मशीनरी खरीद के ला और जो उसका ये फॉरेन टूर के एक्सपेंस है ये इसलिए लगे क्योंकि मशीनरी खरीदने गया वाह मेरे बच्चों जवाब बिल्कुल सही है तो यस क्योंकि आपने एसिड खरीदने के लिए फॉरेन टूर करा तो क्या ये खर्चा आपका रेवेन्यू है कि कैपिटल है जवाब है ये कैपिटल है आप देखोगे जवाब बच्चा आपके साथ साथ है जवाब आपके पास साथ साथ है मैंने ना उसका रीजन भी लिखा है तो बच्चों के पास नोट्स हैं तो ये बच्चे सारे नोट्स से पढ़ना कैपिटल है यस बच्चा कैपिटल है और दोस्त मैंने इसका रीजन भी मेंशन करा है तो दोस्तों मैंने इसका आपको रीजन भी दिया है क्योंकि ये एक्चुअली में को परचेज करने के लिए किए गए खर्चे ठीक है तो मैं इसलिए बड़ा इसको इसी मजे से पूछता रहूंगा अब आते हैं सेकेंड पॉइंट ठीक है ईमानदारी से देखते जाओ सेकेंड पॉइंट पे दौड़ कर आओ ओहो आईसीएम बहुत बड़ा बड़ा आ गया भाई चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे और अपने पास चलिए दोस्त ईमानदारी से इसको यहां पर साइड पे कर लेते हैं और अब यहां पे देखते हैं लेट्स सी कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज एवरीबडी नोज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है आप लोग जो आंसर लिखे ना आप क्या करें आप नंबर के साथ लिखें सपोज आप लिख रहे हैं टू टू के साथ मेंशन करो कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज राइट तो आप लिखे टू कैपिटल इसके बाद नेक्स्ट फ्री आपने मशीनरी परचेस करी दोस्त उस पे इंश्योरेंस का खर्चा पे करा आप बताओ मशीनरी परचेस करी उस पर खर्चा करा कैपिटल है कि रेवेन्यू है भैया फ्री का आंसर लिखो सारे बच्चे बैठा जरा साथ में लिखो और साथ में एक्टिव हो जा अरे 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 कंगन जी काहे का, का रेवेन्यू कंगन नवलीन ना 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 बच्चा इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऋषभ कुमार ना मेरे बच्चा अरे नहीं 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 मेरे भाई जितने लोग कह रहे रेवेन्यू सब गलत है जितने लोग कह रहे रेवेन्यू सब गलत है दोस्त ये बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई ठीक है मेरे भाई ये सारे गलत बोल रहे हैं ये अपने मंदिर सारे गलत है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्त क्यों अरे नहीं सौरभ जी कहे का डेफर यार कहे का डेफर ये बड़ा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है मैं आपको इसका रीजन बताता हूं बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्त बड़ा सिंपल सा रीजन है यार तुमने मशीनरी परचेज करी है तुम एक काम करो दोस्त मुझे एक बात बताओ तुम सपोज कर लो गाड़ी खरीदते हो ना मशीनरी को मारो गोली तुम गाड़ी खरीदते हो ठीक है गाड़ी की इंश्योरेंस तुम्हें साथ में बाय करनी पड़ती है वही मर्सिडीज वाला लेते हैं तुमने मर्सिडीज खरीदी गाड़ी की तुम्हें इंश्योरेंस साथ में बाय करनी पड़ी थोड़ा दिमाग लगाओ यार गाड़ी की इंश्योरेंस गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होती है कि नहीं होती आप खुद सोचो मान लो आपने दस लाख की गाड़ी खरीदी आपने मान लो लाख रुपए इंश्योरेंस का खर्चा कर दिया तो तुम क्या बोलोगे मेरी गाड़ी दस लाख की ग्यारह लाख की दिमाग लगाओ तुम क्या बोलोगे गाड़ी दस लाख की ग्यारह लाख की तो बोलोगे ग्यारह लाख की गाड़ी है राइट तो इंश्योरेंस फ्रेड मशीनरी परचेस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है दोस्त तो याद रखना इंश्योरेंस फ्रेड मशीनरी परचेज पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो ये सब बातें नहीं भूलनी मुन्ना बिल्कुल नहीं भूलनी ठीक है ओके फोर्थ कस्टम ड्यूटी आपने पे करी मशीनरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी आपने पे करी भाई मशीनरी के ऊपर बताओ चौथे का आंसर बताओ सारे बच्चे अब बड़ा गलत ना हो जल्दी से बता दो कस्टम ड्यूटी तुमने पे करी है मशीनरी के ऊपर मुझे हर बच्चे का जवाब चाहिए एकदम एक्टिव रहना चाहिए बच्चा कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर yes क्यों बिकॉज तुमने मशीनरी मंगवाई तो तुम्हें परचेस के टाइम पे किए गए खर्चे याद रखो फिर से वही पॉइंट है ए से एक प्जिशन ए से एक प्जिशन ए से एक प्जिशन ये नारा अपने दिमाग में रख लो बेटा ठीक है ये बच्चा फ्रेड भी इंक्लूड होगी स्नेहा इंक्लूड होगी सारे बच्चे बेटा ये नारा अपने दिमाग में याद रख लो क्या ए से एक प्जिशन ए से एक प्जिशन क्या हूं क्योंकि तुमने जब खरीदने के वक्त जितने भी खर्चे करे उतना बेटा एसेट को खरीदने के वक्त तुम जितने भी खर्चे करते हो वो सारे खर्चे तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं यार मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देता हूं मान लो तुमने एक टीवी खरीदा अब टीवी बड़ा तुम घर पे को उठा के नहीं लेकर आ रहे तुमने रिक्शा कर ली ठीक है रिक्शा वाला तुम्हारे घर पे टीवी छोड़ के गया तुम रिक्शे की जो कॉस्ट है वो भी टीवी की कॉस्ट में ऐड कर लोगे मान लो टीवी तुमसे खुद इंस्टॉल नहीं हुआ तुमने एक बंदा बुला लिया टीवी इंस्टॉल कर रहा है भाई वो तुमसे पैसे ले गया तो अल्टीमेटली तुम बोलोगे मेरे को टीवी जो है उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिक्शा की कॉस्ट और बाकी टीवी की कॉस्ट तो ऑब्वियसली सब कुछ मिला के पड़ी है सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया भाई जब कोई तुम चीज खरीदते हो खरीदने के वक्त किए गए सारे खर्चे उस एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा खरीदने के वक्त किए गए सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं तो वो सारे खर्चे कौन से होते हैं कैपिटल ठीक है बस मुझे यही चेक करना है बच्चा मैं इसलिए आपको इसको हाइड करके दे रहा हूं अगर मैं सीधा आंसर बोलूंगा तो मुझे बच्चों का नहीं पता लगेगा राइट इसलिए मैं आपको सीधा आंसर मैं नहीं बोल रहा मैं बच्चों को बोल रहा हूं आप मुझे आंसर बोलो चलो दोस्त अब यहां पर और आते हैं वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आपने मशीनरी जो है ठीक है मेरे भाई कितनी बात में करोगे गाड़ी चलानी अलाउड नहीं होती दोस्त घोसला जी ये क्या पूछ रहे हो मेरे को एक बात बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या आप पहले एक बात सोचो बेटा गाड़ी आज लो दो साल बाद इंश्योरेंस कराओ अलाउड होती बेटा नहीं आजकल बेटा गाड़ी शोरूम के बाहर नहीं निकलती अगर इंश्योरेंस ना हो तो दोस्त तुम्हारा सवाल गलत है तुम्हारा सवाल ही गलत है अरे फिर से दिल तोड़ दिया कुछ बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं अरे ना 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 मुन्ना ना वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी यार बच्चे एकदम दिल तोड़ के बैठते हैं ठहरो एग्जाम्पल देता हूँ एक चलो, आप चलो अब एक काम करो भाई साहब मुझे बताओ ये बंदा कौन होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये बंदा कौन है भाई क्या काम कर रहा है ये बताओ सारे बच्चे बताओ बेटा ये बंदा कौन है ये आपका क्या काम करता है क्या बोलते हैं इसको जो बच्चे बड़ा बीच में रेवेन्यू रेवेन्यू कर रहे हैं बेजेस फॉर इलेक्शन ऑफ मशीनरी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं आप बताओ बच्चा ये बंदा क्या काम कर रहा है बेटा पहले मेरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, दोस्त पहले जो सामने आपको बता रहा हूं उसका जवाब दो बाकी आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे ये क्या बच्चा एक और है विशाल मेरे भाई बाकी सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले जो मैं बता रहा हूं बेटा उसको करते हैं मेरे भाई ये बंदा कारपेंटर आपका बिल्कुल सही चलो ये बंदा कारपेंटर है चलो अब आप बना रहे हो फर्नीचर ठीक है अब आप मान लो आप बना रहे हो कुर्सी या टेबल उसमें जो ये भाई साहब जो है अच्छा कुर्सी टेबल बनाने में क्या चाहिए होता है तुम्हें चाहिए बना वुड वुड चाहिए मान लो वो आई तुम्हारी दस हजार की कारपेंटर चाहिए भाई खुद तो बनाओगे नहीं खुद तो किली लेकर नहीं बैठ जाओगे भाई हथौड़ी लेकर के खुद बैठ जाओगे खुद सोचो दोस्त और डक्कन खुद बैठ जाओगे चला हथौड़ी मारते खुद कुर्सी बनानी शुरू कर देते नहीं बेटा कारपेंटर चाहिए तो भाई साहब इनको बुलाओगे ठीक है तो इनको कुछ पैसे दोगे उसे कहते हैं वेजेस वेजेस कितनी लगी दो हजार रुपया ठीक है अब मान लो उसमें लाइक आपने कोई फेविकॉल लगा दी कुर्सी को जोड़ने जाड़ने में वो लग गई मान लो हजार रुपए की ठीक है अब मुझे एक बात बताओ तुम्हारी जो कुर्सी बनके तैयार हुई है वो कितने की तैयार तो हुई तेरह हजार की कुर्सी तैयार हुई तो क्या उसमें कारपेंटर की वेजेस नहीं आई उसके अंदर सोचो तो यही कारण यहां पर है मेरे दोस्त जो बच्चे यार रेवेन्यू बोल रहे हैं दिल तोड़ देते यार कुछ सोचो यार ठीक है वंश भाई का क्वेश्चन जो है यहां पर मैं जवाब दूंगा पहले मुझे बताओ सारे बच्चे जो रेवेन्यू बोल रहे थे कि वेजेस वेजेस फॉर ऑफ मशीनरी मशीनरी है किसके लिए लिए कर रहे हो मशीनरी की के लिए। दोस्त ये तो हमारा कौन सा खर्च है ये हमारा सारा का सारा कैपिटल खर्च है अच्छा वंश भाई मेरे को बोलता है बोलता है सर दो साल के बाद इंश्योरेंस रिन्यू करें अरे मेरे भाई वंश मैंने इसका जवाब अभी अपनी बातों में दिया मैंने क्या बोला वंश के टाइम पे किए गए खर्चे मुन्ना क्या बोला तुम्हें अच्छे से सुनो मैंने क्या बोला परचेस के टाइम पे किए गए खर्चे तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तुमने गाड़ी खरीदनी दो साल के बाद इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो वो थोड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ठीक है मेरी बात को समझो खरीदने के वक्त एसेट को एक्वायर करने के वक्त किए गए खर्चे तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है भाई वंश मेरे भाई आपको मेरी बात का मेरे ख्याल अपने बात का जवाब मिल गया होगा अच्छा पहले एक काम करो जितने बच्चों को फाइव तक क्लियर है अभी तो बच्चा पिक्चर बहुत बाकी है दोस्त फाइव तक क्लियर है तो फाइव स्टार भेजो सारे बच्चे जल्दी से फिर मैं आगे चलता हूँ और आप लोग को कसम है बेटा किसी ने नोट्स नहीं खोलने किसी ने नोट्स नहीं खोलने चुपचाप खाली यहाँ से देखो खाली स्क्रीन से क्योंकि बच्चा चीटिंग करके आंसर करेगा बेटा अपने आप को चीट कर रहा वो मेरे को थोड़ी चीट कर रहा है तो भाई साहब याद रखना कोई बच्चा भाई नोट्स नहीं खोलेगा अभी बहुत पिक्चर बाकी है दोस्त अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है भाई अभी तो हमारी सनी आंटी आएंगी डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगी ओके चलिए सारे बच्चे कह रहे सर फाइव स्टार बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलिए दोस्त बहुत 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 सही जवाब बहुत सही जवाब आप एक काम करो दोस्त सारे बच्चे आ जाओ पहले अब मुझे बताइए छठे का पॉइंट इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी परचेस्ड कैपिटल की रेवेन्यू आप सिर्फ लिखो सिक्स सी और सिक्स आर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है सिक्स सी और सिक्स आर जवाब दीजिए सिक्स का सी की सिक्स का आर है जल्दी से जवाब दे दोस्त सिक्स दो, दो, का सी की सिक्स का आर है यस अब बच्चों को समझ में आ रहा है अरे भाई तुम्हारे घर पे बंदा एसी नया तुमने नया लिया है एसी नया लिया एसी फिट करवाने के लिए बंदा आ गया कौन आया भाई एसी फिट करवाने के लिए बंदा आया आया एसी फिट कराने के लिए जो जो बंदा आया भाई उसके जो तुमने खर्चे पे करे हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस वो तुम्हारे ए की कॉस्ट में एड किए जाते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब मैं देख रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा बिकॉज अब किसी का रॉन्ग नहीं हो रहा ओके अभी और मजा आने वाला है दोस्त क्या लिखता है सेवेंथ का जवाब देखता हूं कौन कौन से बच्चे सही दे रहे हैं कहता है यार हमने ना एसेट को यूज करने के पहले उसका ट्रायल रन चलाया एसेट को यूज करने के पहले आपने उसका ट्रायल रन चलाया अब आप बताओ उसका आंसर क्या होगा उसका आंसर क्या होगा कैपिटल की रेवेन्यू एसेट को यूज करने के पहले उसका ट्रायल रन चलाया बिल्कुल सही जे बच्चे बहुत सही अच्छे बेटा बच्चे हैं बहुत अच्छे के okay. विशाल अग्रवाल जी कुछ लंबा सा क्वेश्चन पूछ रहे कहते सर ये चीज दोबारा बताना कि इंश्योरेंस अरे विशु भैया कैसे हो पहले ही बताओ ठीक हो मुन्ना अब मेरी बात को सुनो विशु भैया विशु भैया कहे को नाराज होते मुझे एक बात बताओ बेटा तुमने मर्सिडीज खरीदी लाओ भाई हम विशाल भैया को लेकर आते आज अपने विशाल भैया जो है उनके ऊपर एग्जाम्पल विशाल भैया तुमने मर्सिडीज खरीद ली तुमने सपोज कर लो मर्सिडीज खरीदी भाई 2020 में तुमने 2020 में जो मर्सिडीज की इंश्योरेंस कराई सपोज कर लो भाई तुम्हारी मर्सिडीज आई 50 लाख की तुमने भाई 2 लाख की इंश्योरेंस कराई तुम्हारी मर्सिडीज तुम्हें बड़ी फिफ्टी टू लाख की चलो ये तुमने क्या करा कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई साहब दो में जब तुम इंश्योरेंस रिन्यू कराने जाओगे ना भाई साहब दो में जब तुम इंश्योरेंस को रिन्यू कराने जाओगे ना मेरे भाई वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2022 में तुम दोबारा रिन्यू करा रहे हो तुम्हारा रेवेन्यू है क्यों विशु भैया क्योंकि जो तुम वहां पर मुन्ना परचेस करते हो ना जब एसेट को खरीदते हो खरीदने के वक्त मुन्ना किए गए सारे खर्चे वो तुम्हारे कैपिटल होते हैं एक बार तुमने एसेट खरीद लिया तुम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो उसके बाद के सारे खर्चे तुम्हारे रेवेन्यू होते क्योंकि वो एक्वायर ए से क्या था एक्वायर एक्वायर मतलब क्या होता है चीजों को खरीदना तो वहीं से मैं आपको बता रहा था बड़ा, ए पी याद कर लो लो भैया भैया आपको क्लियर होगा अच्छा सारे बच्चों को क्या कहना चाहता हूं जरा मेरी बात को जरा गौर से सुनना भाई हम कहते हैं बेटा एक्सपेंस इनकड इन ट्रायल रन अब एक बात सोचो कई बार क्या होता है हम मशीनरी को ना ट्रायल रन पे चलाते हैं बच्चा बोलेगा सर ट्रायल रन सर क्या मतलब मैं आपको बता बता भव्या जी बताता हूँ बत सब बता रहा हूँ मतलब क्या होता है भव्या जी बताएंगे सर ट्रायल रन क्या होता है बच्चा देखो ट्रायल रन मतलब कई बार मशीनरी को आपको जब यूज करना होता है ना तो पहले आप थोड़ा सा मशीनरी को इंस्पेक्ट करते हो बोलते हो मैं एक आध दिन चलाऊंगा चलाने के उसके खर्चे लग सकते हैं ठीक है तो हो सकता है कि आपने उसको ट्रायल रन क्यों करा बिकॉज आप चला के देखना चाहते मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं राइट तो अब जो तुमने चलाया तुमसे तो मशीनरी चल नहीं रही तुमने एक, एक एक्सपर्ट बंदा बुलाया जो मशीनरी का एक्सपर्ट वाला बंदा था भाई साहब वो आपकी मशीनरी चला रहा है अब मुझे एक बात बताओ कोई एक्सपर्ट बंदा तुम्हारे लिए फ्री में काम करेगा नहीं वो तुम्हारे पास आएगा पैसे लेगा तो तुमने क्यों करा बिकॉज तुमने एसेट जो है यूज करने के पहले तुमने खर्चे करे हैं तो एसेट को तुमने अभी यूज करना नहीं शुरू करा उसके पहले पहले के खर्चे हैं तो ये खर्चे भी तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। राइट ये बात दिमाग में रखिएगा इसको भी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं राइट भव्या जी बेटा क्लियर आपको जरा एक बार मैसेज डाल देना अच्छा मुन्ना एक बात बताओ तुमने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी ये कैपिटल है कि रेवेन्यू खर्चा है चलो बताओ सारे बच्चे मुन्ना तुमने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मुझे फटाफट से बताओ दोस्त तुम्हारा कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा क्या बोलते हो एट का सी है कि एट का आर है जल्दी से बताओ दोस्त एट का सी है कि एट का आर है बच्चे जो हैं भाई अलग अलग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर भाई हमारे पारुल जी थोड़ा सा गलत जवाब दे रहे हैं बच्चा पारुल जी अब जनता के साथ जाइए बेटा एट का सी आएगा देखो मेरी बात को समझो तुम चाहे नया एसेट खरीदो चाहे तुम पुराना एसेट खरीदो मुद्दा क्या है दोस्त चाहे तुम नया एसेट खरीदो चाहे तुम पुराना खरीदो, ठीक तो है? तुम्हारा खरीदता, खरीदता हूं तो क्या वो मेरे लिए एसेट नहीं है अगर मैं सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदता हूं क्या वो मेरे लिए एसेट नहीं है भाई एसेट तो है ना खरीद तो मैं रहा हूं तो यस बच्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है तो बच्चे बड़ा इसका रीजन पढ़ लो क्योंकि तुमने एसेट को खरीदने के लिए खर्चा करा देखो मैंने लिखा है दीज़ आर टू एक्वायर एसेट को खरीदने के लिए खर्चा करा है भाई तो एसेट तो खरीदा है ना भाई जो मर्जी कर लो ठीक है अब सुनो अब सुनो बच्चा अब लिखा है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड एसेट बिफोर पुट टू use, हाँ जी सर मैं देखता हूं नाइन्थ कितने लोग सही जवाब देते हैं, नाइन्थ कितने लोग सही जवाब देते हैं जो बच्चा देखो नाइन्थ नाइन्थ में जवाब आया रेवेन्यू फिर कैपिटल फिर आ रहा है रेवेन्यू फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल बीच बीच में कुछ रेवेन्यू वाले भी हैं कुछ बच्चे आर आर लिख रहे हैं कुछ बच्चे सी सी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मिक्स आ रिस्पॉन्स आ रहा बहुत बढ़िया बच्चा आई होप जवाब हर एक बच्चा दे रहा है दोस्त उम्मीद में ये करूंगा कि जवाब हर एक बच्चा दे रहा है ठीक है मुन्ना चलो बहुत बढ़िया दोस्त बहुत बढ़िया हर एक बच्चे का जवाब आते हुए चलो अब मैं आपको बड़ा एक कहानी सुना ठीक है अच्छे से सुनो भाई मेरी कहानी हम एक काम करते भाई एक आप लोगों ने फोटो से दिखाता हूँ साथ में गाना भी गाता हूँ तो खींच मेरी फोटो ये लो भाई मान लो मुन्ना ऐसे ले आते भाई साहब अभी सपोज कर लो भाई मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली बेचारा मैं मासूम गरीब आदमी मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली ये लो भाई ठीक है मैं बच्चों को बड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूं अब ये गाड़ी जो है जैसे कि आप इसके हालात देख रहे हो मैंने गाड़ी तो खरीद ली मैंने कह रहा मैं इसको लेके रखूंगा कहां पर क्या करूंगा मैं इसका मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी अब मैं इसको यूज करने के पहले भाई इसकी मरम्मत करवाऊंगा मान लो मैंने गाड़ी खरीदी दस हजार रुपए की मान लो इस गाड़ी की मरम्मत में लग गया तीस हजार रुपया अब उसके बाद गाड़ी चलने लायक हुई उसके बाद गाड़ी चलने लायक हुई तो आप मुझे बताइए दोस्त गाड़ी तुम्हें कितने की पड़ी चालीस हजार रुपए की तो मेरा कहने का मतलब क्या है एक आवश्यक सूचना जो आपने सुननी है क्या सुननी है मुन्ना अच्छे से सुनो रिपेयर जो है ना मेरे भाई वो दो प्रकार की होती है एक ओल्ड कार के खरीदने के टाइम पर होती है एक न्यू कार के खरीदने के टाइम पर रिपेयर होती है बच्चे बड़ा इस सूचना को दिमाग में रखो ठीक है सबसे पहले इस सूचना को दिमाग में रखो क्या अगर तुम पुरानी गाड़ी खरीदते हो उसको यूज करने के पहले खरीदते वक्त तुम रिपेयर कराते हो बच्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों भाई साहब जब तुम पुरानी गाड़ी को रिपेयर करोगे तो तुम्हारी पुरानी गाड़ी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी याद है दोस्त एबीपी तुम्हारी पुरानी गाड़ी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी बट मेरे भाई अगर तुमने अगर तुमने याद रखना दोस्त अगर तुमने उस नई गाड़ी को सिर्फ रिपेयर कराया तुमने एक नई गाड़ी खरीदी अच्छा तुम बोलते यार मुझे ना मजा नहीं आ कि नई गाड़ी खरीद ली मेरे को एक अंदर से ना थोड़ा इसका इंटीरियर चेंज कराता हूं आप पागलों की तरह नई गाड़ी लेकर चले जाते हो उसके नए सीट कवर डलवा देते अंदर थोड़ा सा दे धूमढाम कुछ स्पीकर स्पूकर अलग से लगा दिए आप मुझे बताइए क्या वो गाड़ी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा बेटा नई गाड़ी के तुम इंटीरियर करा रहे हो तुम्हारी गाड़ी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहां से बढ़ाएगा दिमाग लगाओ तो वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है अब यही तुम पुरानी गाड़ी में अगर तुम खर्चा करते हो तो वो तुम्हारी गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ा देता है क्यों बिकॉज पुरानी गाड़ी में किए गए रिपेयर एक्सपेंस गाड़ी को आगे फर्दर और चलाने में हेल्प करते हैं क्योंकि गाड़ी पुरानी है तो याद रखना दोस्तों याद रखना इधर से सोचो इधर से सोचो भाई अपने किडनी लंग्स से मत सोचो अपने दिमाग से सोचो भाई किडनी लंग्स को थोड़ा आराम दो बच्चे क्या है मेरे भाई किडनी और लंग्स से सोचते हैं ना मेरे दोस्त ना दिमाग से ही सोच दोस्त दिमाग से क्या अगर तू पुरानी गाड़ी के ऊपर को रिपेयर के खर्चे करता है दोस्तों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर तू नई गाड़ी पे कुछ रिपेयर के खर्चे करेगा दोस्तों वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये नई और पुरानी का फंडा चलता है तो याद रखना सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ी हो इसीलिए आपको बता रहा हूं कभी दोबारा से पॉइंट आ जाना अगर यहाँ सेकेंड हैंड के बदले में न्यू कार कर दूं तो ये बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा ठीक है अब सारे बच्चे बोलो नाइन्थ क्लियर बोलो भाई खोसला जी रिपेयर मेंटेनेंस बेटा रिपेयर मेंटेनेंस मतलब वही हो गया सेम चीज हो गई पर तुम ये रिपेयर क्यों कर रहे हो तुम रिपेयर कर रहे हो बेटा लाइन नहीं पड़ रहे बिफोर द कार इज पुट टू यूज खोसला जी आप पूरा नहीं पढ़ रहे पुट टू यूज गाड़ी को हमने यूज नहीं करा ठीक है गाड़ी को यूज करने के पहले किए किए गए खर्चे हाँ जी बेटा नाइन्थ क्लियर है बेटा सारे बच्चे को नाइन्थ क्लियर नाइन्थ क्लियर नाइन्थ क्लियर का जवाब दीजिए बेटा मुझे सारे बच्चे किसी बच्चे को नाइन्थ में आत्मा परेशान है तो बता दो दोस्त बेटा अब तुम सपोज कर लो पुरा, उदित जी तुम सपोज कर लो पुरानी गाड़ी खरीद के दो साल बाद रिपेयर करा रहे हो फिर से वही बात है बेटा परचेस के टाइम पे किए गए खर्चे वो आते हैं बेटा वो रेवेन्यू हुआ ना सही कह रहे हो हिमांशी जी बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल 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 हिमांशी जी रेवेन्यू हुआ वो क्योंकि तुम उसको परचेस के दो साल के बाद करा रहे हो बच्चा वो रेवेन्यू खर्चा हो गया बिल्कुल सही जा रहे वो रेवेन्यू खर्चा हो गया लो भाई अब आ जाइए आप इस पॉइंट पे दोस्त इसमें ना बहुत तगड़ी मोहब्बत है टेंथ पॉइंट पे है बड़ा इश्क और मोहब्बत इस पे बनाना है दिल ठीक है दसवा दिल अब सुनिए इंटरेस्ट ऑन लोन हम एक काम करते हैं दोस्त एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं चलिए सपोज कर लीजिए मेरे भाई हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं टेंथ को ठीक है पहले सुन लो बड़ा टेंथ को ऐसे मत करो आंसर टेंथ में बड़ा बहुत धासु पॉइंट है टेंथ में मेरे भाई थोड़ा कर ले इंतजार क्योंकि है धासु पॉइंट उसके अंदर चल भाई सपोज कर ले भाई कि ये आप सीए बनने के बाद आप लोगों का घर है लो भाई आप बन गए हो सीए सीए में कुछ भी आप जिंदगी में करो सपोज कर लो आप सक्सेसफुल हो चुके हो और आप भगवान करे ऐसा सुंदर सा घर बनाओ बेटा इस गरीब को नौकर रख लेना बेटा मुझे नौकरी दे देना दे उस टाइम ठीक है तो दोस्त ऐसा घर बनाओ और उस पर मुझे नौकरी दो अब सपोज कर लो मेरे भाई याद रखिएगा दोस्तों सपोज कर लो तुम ये घर जो है अभी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई इस घर को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो बात को समझो बच्चा ठीक है बच्चों ने सीधा सीधा आंसर दिया ना भाई इसमें पॉइंट है बहुत अच्छा अब एक बात बताओ मान लो दोस्त तुमने घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लोन लिया मान लो तुमने लोन जो है बोरो करा मुन्ना अर्ज किया है लोन सपोज कर लो बोरो कर लिया एक अप्रैल 2020 को मान लो तुमने बैंक से लोन बोरो करा दोस्त एक अप्रैल 2020 को तुमने बैंक से लोन बोरो कर लिया ठीक है अब सारे बच्चे अच्छे से सुनना कि तुमने बैंक से लोन बोरो करा एक अप्रैल 2020 को गौर करिएगा दोस्त फिर से बोल रहा हूं तुमने लोन का बोरो करा एक अप्रैल 2020 को तुमने बैंक से लोन बोरो कर लिया ठीक है अब मुझे एक बात बताइए जब तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन है घर का वो कंप्लीट हुआ जाकर वो कंप्लीट हुआ मेरे भाई जाकर एक अप्रैल 2025 को पांच साल लग गए भाई घर बनाने में अब तुम पांच साल के बाद जाकर उस घर पे रह रहे हो और मान लो तुमने सारा फाइनली लोन जो है वो रीपे करा है लोन रीपे करा है एक अप्रैल 2030 को सारा फाइनल ठीक है तो अब ये क्या है जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो आपका इंटरेस्ट है ना ये वाला इंटरेस्ट अभी घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई इसको क्या बोलते हैं बेटा प्री इंटरेस्ट प्री मतलब घर की कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट घर की कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट ठीक है अच्छा अभी एसिड को यूज करना शुरू नहीं करा उसके पहले का इंटरेस्ट तो दोस्त याद रखना तुमने लोन बोरो कर लिया ना तुम्हारी कंस्ट्रक्शन चालू है बट बैंक का इंटरेस्ट भी चालू है बैंक का मीटर शुरू हो जाएगा अप्रैल 2020 से बैंक बोलेगा मैं क्यों रुकू यार आप बोलोगे प्लीज अभी इंटरेस्ट मत चार्ज करो मेरा घर नहीं बना मुझे घर पे जाने दो मैं घर पे शिफ्ट होऊंगा रहूंगा फिर मेरे से इंटरेस्ट लेना बैंक बोलेगा ओए पागला जैसे ही इंटरेस्ट हमसे लोन बोरो कर लिया बेटा इंटरेस्ट का मीटर चालू है तो ये जो इंटरेस्ट होगा ना मेरे भाई इसको हम हाउस की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अब मान लो कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई उसके बाद का इंटरेस्ट इसको बोलते हैं पोस्ट इंटरेस्ट क्या बोलते हैं भाई पोस्ट मतलब एक बार कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई इसके बाद का इंटरेस्ट मेरे दोस्त ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसा आप किसी मशीनरी के लिए भी ले सकते हो अगर तुम मशीनरी खरीदते हो मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करने के पहले का जो इंटरेस्ट होता है जो मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करने के पहले का इंटरेस्ट वो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार मशीनरी यूज करनी शुरू कर दी उसके बाद का इंटरेस्ट कौन सा होता है मुन्ना वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सारे बच्चे बटा अपने में चीज़ को भी और यही कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अकाउंटिंग तो कौन सा है मशीनरी के परचेज के टाइम पे लिया गया लोन इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई है उसके पहले पहले का उसके पहले पहले का ठीक है तो सारे बच्चे याद रखना इसको बोलते प्री इंटरेस्ट इसको बोलते पोस्ट इंटरेस्ट तो जो प्री इंटरेस्ट होता है मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म होने के पहले का इंटरेस्ट याद रखना कंस्ट्रक्शन खत्म होने के पहले का बेटा पी आर सी नहीं प्री आर ई है मेरे भाई इन राइटिंग की भी इशू भैया ठीक है बड़ा लॉजिक है स्नेहा जी इसके पीछे लॉजिक है स्नेहा बड़ी सिंपल सी बात है आप सोचो एक बार तुमने अगर वहां पर एक बार अगर तुमने वहां पर घर कंप्लीट कर लिया बेटा एसेट तैयार है जब तुम्हारा एसेट तैयार है उसके पहले के हमने बोला ना खाली खर्चे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे अभी बच्चे दस मिनट पहले मुझसे पूछ रहे थे सर गाड़ी की इंश्योरेंस जो है दो साल के बाद कराई खुद सोचो अभी तो आप बोल रहे थे गाड़ी की इंश्योरेंस अगर मैंने दो साल की बात कराई तो वो कौन सा खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेम केस यहां पर है तुमने इंटरेस्ट पे करा एसेट तैयार हो गया उसके बाद एसेट को यूज करना शुरू कर दिया उसके बाद का इंटरेस्ट बाद का इंटरेस्ट हमेशा बच्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ठीक है तो दोस्त यही कहानी आपको समझ में आनी चाहिए तो बच्चा यही पॉइंट है आप इसको समझे ये कौन सा खर्चा है कैपिटल क्यों बिकॉज ये खर्चा आपका लैंग्वेज को पढ़ना एसेट को खरीदने के वक्त किया गया खर्चा है माफी चाहूंगा दोस्त ये खर्चा एसिड को खरीदने के वक्त किया गया है और अभी तक आपने एसिड को यूज करना शुरू नहीं करा है अभी तक आपने एसिड को यूज करना शुरू नहीं करा है ठीक है जी मेरे भाई सब कुछ पहले से डिसाइड होता है दोस्त तो इसीलिए आपका सिंपल सा फंडा है वही मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि खोसला जी आपके पास याद रखना पहले के सारे खर्चे कैपिटल होते हैं उसके बाद के सारे रेवेन्यू होते हैं नहीं आप गलत हो बेटा मिस्टर खोसला यू आर रॉन्ग यू आर अकाउंटिंगली रॉन्ग यू आर टैक्सेटिवली रॉन्ग मतलब आप गलत हो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत हो पाजी अगर आप उसके खर्चे बाद में भी डाल रहे हो तो गलत हो नहीं डाल सकते बच्चा अकाउंटिंग में अपनी अकाउंटिंग को सुधारो मेरे भाई सिर्फ प्री वाले खर्चे ऐड कर सकते अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बाद वाले नहीं कर सकते पोस्ट वाले कर ही नहीं सकते ठीक है इंटरेस्ट के खर्चे पोस्ट वाले नहीं कर सकते ये बात याद रखो अच्छा जी अब आगे आइए भाई अब मुझे बड़ा इसके बारे में बताओ सारे बच्चे चलो इलेवेंथ का बताओ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऑफ मशीनरी द कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिन अब बताओ ये तो जब आप बच्चे खुद इजीली दे देंगे कि भाई साहब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई है प्रोडक्शन शुरू हो गई है दोस्त प्रोडक्शन चालू है प्रोडक्शन चालू है दोस्त जल्दी से बताइए प्रोडक्शन चालू है यस yes! प्रोडक्शन चालू है बेटा रेवेन्यू 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 देखो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी बिगिन तो अब इसका आंसर भी चेक कर लो दोस्त क्या आंसर है रेवेन्यू 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 बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है बिल्कुल सही बच्चा कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी बिगन बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्त एकदम बिल्कुल क्लास बिल्कुल सही अच्छा इधर देखो इसका जवाब खुद दो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी आफ्टर द पुट टू यूज आफ्टर द मशीनरीज पुट टू यूज क्या होगा जवाब देखिए बारह का क्या जवाब देते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे कितने भाई बहनों को मेरी बात समझ में आ गई है ग्रेट 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 नर् वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही रेवेन्यू बिल्कुल सही रेवेन्यू 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 बिल्कुल क्योंकि एसेट को यूज करने के बाद के खर्चे बिल्कुल सही ओके अब एक बात बताइए ये मैं आपको करा देता हूं देखो तुमने कोई एसेट का जो वॉन आउट पार्ट है उसको रिप्लेस करा अब बात को समझो बेटा एसेट का कोई वॉन आउट पार्ट मतलब कोई एसेट का पार्ट है उसको रिप्लेस करा एसेट को रिप्लेस नहीं करा एसेट के एक पार्ट को सपोज कर लो ऑब्वियसली रेवेन्यू बिल्कुल सही रेवेन्यू खर्चा है रेवेन्यू क्यों मैं आपको बताता हूं उसका रीजन मेरे साथ पढ़ लो क्योंकि ये खाली एसेट को मेंटेन करने के लिए किया गया खर्चा है याद है एमओ तो यार सिंपल सी बात है तुम पीसी यूज करते हो तुम्हारा पीसी का माउस खराब हो गया पीसी का माउस खराब हो गया तो भाई सारा पीसी उठा के बाहर फेंक दोगे पीसी के माउस को खाली नया ले आओगे अब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कर लीजिए मैं टैबलेट यूज कर रहा हूं मेरा ये पेन पेन खराब हो गया भाई मैं पेन नया ले लूंगा ये थोड़ी मैं सारा टैबलेट उठा के बाहर फेंक दूंगा दिमाग लगाओ ठीक है so अगर तुम सपोज कर लो कोई पर्टिकुलर एक पार्ट को छोटे से पार्ट को रिप्लेस करते हो ना भाई वो रेवेन्यू खर्चा होता है अच्छा एक बात बताओ भाई साहब फोर्टीन के बारे में डिस्कस करो जरा एनुअल मेंटेनेंस फीस बच्चा जो आ रही है मशीन की आओ दोस्त एनुअल मेंटेनेंस फीस बताओ बड़ा कितनी होती है कौन सा खर्चा है भाई बिल्कुल सही दोस्त रेवेन्यू खर्चा चलिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही रेवेन्यू खर्चा बिल्कुल सही अच्छा अब सुनो बिल्कुल सही दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हो फिफ्टीन सुनो मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया वहां से देखो बच्चा होता क्या है वर्किंग कैपिटल क्या, क्या होती है पहले ये पॉइंट मेरा सुन लेना वर्किंग कैपिटल क्या होती है ठीक है वर्किंग एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस के डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करने के लिए मैंने कोई पैसा खर्चा करा अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं हमारे बिजनेस में मान लो अब जैसे मैं अपने आईसीएम की बात करता हूं ठीक है हम अपने अपने आईसीएम की बात करते हैं मेरे पास पहले क्या होता था कि मान लीजिए भाई किसी बच्चे की क्लास मिस होती थी ना मैंने सपोज कर लो मैं ज़्यादा पुरानी नहीं आज से मैं तीन साल पुरानी बात करता हूं मैंने तीन साल पहले बेटा ऐप वगैरह नहीं बनवाई हुई थी ठीक है तो होता क्या था कि भाई साहब अगर मान लीजिए तीन साल पहले क्या होता था किसी बच्चे की क्लास मिस होती थी उस बेचारे बच्चे को सेंटर आना पड़ता था अब वो सेंटर आता था उसको मैं सिस्टम्स मैंने पूरे एक लगा के रखे थे मैंने सेंटर पे ना पूरा एक रूम बनाया हुआ था जिसको मैं नाम देता था बैकअप रूम बच्चे अगर वहां कभी मेरे सेंटर आए होंगे तो बच्चे देखेंगे बड़ा एक बैकअप रूम था जो मेरे से प्लस वन प्लस टू में पड़े होंगे उनको पता होगा उसमें मैंने यहाँ पर ऐसे क्या पांच सात पीसी लगाए हुए थे और वो पांच सात पीसी में बच्चे आके बैकअप देखते थे भाई साहब वो पीसी का मुझे वर्किंग एक्सपेंस पड़ता था वो पीसी को मेंटेन करना वहां पर बच्चे आ रहे हैं बैठ रहे हैं पीसी को यूज कर रहे हैं तो पीसी को चलाना मेंटेन करने के मुझे वर्किंग एक्सपेंस पड़ते थे अब मैंने क्या करा मैंने छोड़ यार बैकअप रूम के झमेले मैंने एक ही बार एक लार्ज खर्चा करा ये शोभित मुझे पता है बड़ा पुराने बच्चों को पता होगा तो मैंने एक ही बार एक लार्ज खर्चा करा और लार्ज एक्सपेंडिचर करके दोस्त मैंने ऐप बना दी अब क्या हो गया तुमने मिस करी है क्लास तुम्हारे पास है मोबाइल तुम्हारे फोन पे तुम्हारी क्लास आ जाएगी टेंशन मत लो अब ये क्या हो गया बेटा जो मेरा रेगुलर वर्किंग एक्सपेंस होता था वो खत्म हो गया मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरा रेगुलर वर्किंग एक्सपेंस होता था खत्म हो गया मैंने एक ही बार बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना भाई क्यों जो मेरे रेगुलर वर्किंग एक्सपेंस थे वो खत्म करे तो अब जो मैंने खर्चा करा ऐप बनाने में आप बताओ वो मेरा क्या है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है क्यों क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा लो भाई कहता सर ऐप को अपडेट करा दो अरे दोस्त चिंता मत करो देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्त मेरा एक दोस्त कहता है सर आपको अपडेट करा दो मैं आपको बताता हूं बच्चा ऐप की बात कर रहा है तो बेचारे को याद आ गया सर ऐप को अपडेट अरे मेरे भाई ऐप अपडेटेड है मैं आपको दोस्त बताता हूं जो आपका वीडियो सेक्शन है ना दोस्त ठीक है उसमें एक्चुअली में क्या है मैं आपको बता रहा हूं स्पीड का ऑप्शन डलवाने से क्या होता है क्लासेस को लीक होने का डर हो रहा है मैंने बड़ा ट्राई करा था मैंने आप लोग की डिमांड पे मैंने आप लोग की डिमांड पे बच्चा ये ट्राई भी कर लिया था ठीक है बट उससे क्या होता है बड़ा स्पीड को ऑप्शन डलवाने से क्या हो रहा है कि उसके ना बड़े आराम से क्लासेस जो हैं वो उसके लिंक्स कॉपी हो जाते हैं तो बच्चा आपको पता ही है दोस्त कि हमारा जो दाल रोटी है इन्हीं क्लासेस से चलती बेटा हम गरीब लोगों का सोचो मेरे भाई क्लासेस अगर लीक हो गई तो कितना मुश्किल होगा तो दोस्त इसीलिए अभी मैं उसमें वीडियो सेक्शन में स्पीड नहीं डलवा रहा बट मैं उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढ रहा हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी वो फैसिलिटी मिलेगी ठीक है दोस्त तो थोड़ा सा कर लो इंतज़ार फिर तुम्हें मिलेगा ढेर सारा प्यार ठीक है तो भाई जो बच्चे पूछ रहे थे उनको बता दिया एंड वंश कहता है सर डेफर, अरे रेवेन्यू कैसे भाई मुझे एक बात कई का सालों तक मिलता रहेगा ठीक है वंश भाई तो डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे है कुछ सोचो ओके बट अब ये थोड़े से पॉइंट्स हैं यहां तक आप देखोगे मैंने कराया है आपको अब ये जो थोड़े से पॉइंट्स है ना दोस्त इसको हम डिस्कस करेंगे बट मैं चाहता हूं कि आज ना डिस्कस करें क्योंकि ये बहुत दासु पॉइंट्स हैं इसको हम लोग अब कल कर डिस्कस करें तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त अभी ना हम लोग यहां पर फिफ्टीन पॉइंट्स पर रुक जाते हैं क्योंकि एक दिन में पंद्रह पॉइंट मेरे भाई मोहब्बत और इश्क के साथ बहुत है सर आपने कितने पॉइंट्स दिए अरे दोस्त मैंने बहुत पॉइंट दिए ठीक है बहुत मैंने पॉइंट्स दिए हैं तो आप देखोगे इतने पॉइंट्स हैं आपके पास अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके जीवन में आपको कभी कैपिटल रेवेन्यू की कभी डाउट नहीं आएगा मैंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पर जो जो बच्चे के मन में आ सकता है मैंने सब यहाँ पे डाला है अच्छा कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे विशु भैया कहते हैं सर एक चीज पॉसिबल है तो ऐप में इंक्लूड करवाना जैसे यूट्यूब पे हम अरे मेरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ वो भी तो वही पूछ रहा है विशु भैया कि भाई साहब अगर तुम वो फॉरवर्ड बैकवर्ड या स्पीड के ऑप्शन डालते हो ना भाई तो लेक्चर के लिंक लीक आउट हो जाते हैं दोस्तों थोड़ा गरीब की दाल रोटी का ख्याल रखो मेरे भाई बच्चा बट चिंता मत करो मैं इसका कोई ना कोई जुगाड़ चला दूंगा बहुत जल्दी चला दूंगा चिंता मत करिए बच्चों की डिमांड है डेफिनेटली चला दूंगा मैं समझ सकता हूँ भव्या जी कह रहे हैं उनके अंदर जो अपडेशन होनी है उसके एक्सपेंस हाँ भाई भव्या जी का जवाब सही है देखो क्या होता है भव्या मैं आपको बता रहा हूँ भव्या आपको मैं बता हूँ बेटा भव्या ने एक सही, सही सवाल पूछा हम आईसीएम ऐप का ही एग्जाम्पल लेते हैं अब होता क्या है भाई मैंने तीन साल पहले ऐप बनवाई ठीक है अब यहां पर मेरे भाई मैंने तीन साल पहले ऐप बनवाई पर मेरे को क्या हर साल एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो ऐप बनवाई उसका खर्चा जो मैंने एक बार पे करा वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट मुझे हर साल ऐप चलाने के लिए एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको शायद पता ना हो कि प्ले स्टोर पे ऐप डालने से आपको एनुअल चार्जेस पड़ते हैं और मेरी ऐप के शायद 1000 प्लस डाउनलोड्स हैं तो जैसे ही आपकी ऐप वन थाउजेंड प्लस डाउनलोड्स पे चली जाती है तो आपको वहां पर एनुअल चार्जेस और ज्यादा पड़ते हैं तो वो जो मैं एनुअल चार्जेस पे करता हूँ वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज वो मैं ऐप को मेनटेन करने के लिए कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है वो मेरे ऐप को मेनटेन करने के लिए कर रहा हूँ भव्या आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा बेटा आपने सही सवाल पूछा है ओके okay, दोस्त पहले मुझे सारे बच्चे बताओ फिफ्टीन यहां तक क्लियर है सारे बच्चे मुझे बताइए बेटा फिफ्टीन तक सारा कुछ क्लियर है कोई डाउट है किसी को तो आप एक काम करो फिफ्टीन क्लियर का मैसेज डाल दो फिफ्टीन क्लियर का मैसेज डाल दो दोस्त भाई साहब हर बच्चे का फिफ्टीन क्लियर का मैसेज आना चाहिए सोच लो विशु भैया कोई रिटर्न नहीं आता भाई आप सिर्फ एक सेवा होती है बच्चों की सेवा कि घर बैठे बैठे तुम्हें लेक्चर मिल रहा है कोई रिटर्न नहीं आता ओके okay. ऐप पे बच्चा रिटर्न तब आता जब उसमें आप एडवर्टीजमेंट डलवाओ वो मैं कभी करूंगा नहीं क्योंकि बच्चे क्या हम लोग खुद ऐप के अंदर जब ऐड आता है खुद सोचो हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो बच्चा मैं कभी भी नहीं करूंगा वो मेरे को ऑफर आ चुका हुआ है होता क्या भाई जैसे ही आपका वन थाउजेंड प्लस डाउनलोड्स होता है ना तो आपको ऑफर आने शुरू हो जाते हैं कंपनीज की तरफ से कि हमारी ऐड डालो हमारी ऐड डालो वो मैं डालता नहीं क्योंकि वो मेरे को खुद को फ्रस्ट्रेशन होती जब मैं किसी ऐप में देखता हूँ तो बच्चे भी गाली निकालेंगे कि सर ने क्या साबुन तेल बेचना शुरू कर दिया भाई बच्चे गाली निकाल रहे होंगे सर आप क्या साबुन तेल बेच रहे हो पता लगे बेटा मेरी ऐप चल रही बीच में ऐड आ रही है सोचो कितनी गाली निकालोगे आप मुझे राइट इमेजिन करो आप मेरा बैकअप क्लास देख रहे हो बीच में एक बंदा डांस करते हुए आ गया अचानक से तो आप सोचो भाई कितनी आप मुझे गालियां निकालोगे तो बच्चा गाली कौन सुनेगा यार दो चार सौ कमाने के लिए गाली सुनो में बच्चों से कौन सुनेगा छोड़ो भाई साहब मेरी ऐप में कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट वाला फंडा नहीं आएगा मैं उसको करने नहीं दूंगा चले दोस्त अब एक काम करे सारे प्यारे बच्चे भाई Yes. Uh, uh, सारे प्यारे बच्चे बेटा अब कल सुबह हमारी क्लास लगेगी पहले मैथ्स की आपको याद होगा हमारा मैथ्स का टेस्ट है मेरे को थोड़ा ये टॉपिक आज स्टार्ट कराना था बच्चा मैंने करा दिया इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं बट कल हम पहले शुरू करेंगे सुबह दस बजे मैथ्स क्लास के साथ याद रखियेगा दोस्त मैथ्स का हमारा टेस्ट है मैंने आपको पिछले टेंडेंसी के फिफ्टी क्वेश्चन कराए थे मैं आपको कल का रूटीन थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ मेरे को था चल क्लास ना मिस सो कुछ तो कराऊं बच्चों को बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ एक्चुअली आई गॉट मैं छुट्टी करता नहीं हूँ एक्चुअली आई गॉट वैक्सीनेटेड टूडे तो एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत प्रेशर था कि भाई बुढ़ तो बढ़ापा आ रहा है और वैक्सीनेशन करा लो तो पेरेंट्स के कहने पे भाई मुझे थोड़ा वैक्सीनेशन कराना पड़ा तो वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको पता ही है मेरी कुछ दूसरी क्लासेस भी थी और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा कुछ लेजीनेस सा फ़ील होता है बट आई थॉट नेवर टू मिस अ क्लास भाई अगर आप लोग भी अट्ठारह साल के ऊपर हो चुके हो तो मेरे ख्याल से आपको भी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए इट्स वेरी सेफ गार्ड फॉर यू पीपल गैक्सीनेशन जो है जरूर कराइए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आजकल क्या है आजकल हमारे जो गूगल भैया है ना भाई तुम टाइप करोगे वेकेशन और तुम्हें वो सुनाई पड़ेगा गूगल आएगा वैक्सीनेशन तो मेरे भाई वेकेशन भी आजकल वैक्सीनेशन बन चुका है गूगल के अंदर आप नोटिस करो गूगल में टाइप करो वेकेशन तो वो ऑटो करेक्ट करके बोलता है भाई वैक्सीनेशन अरे शोभित भाई कुछ नहीं हुआ एकदम गेट वेल सूट नहीं बोलना डरक बीमार थोड़ी हो सर वैक्सीनेशन कराइए डोले कायम है एकदम टेंशन मत लो भाई अपने डोले पूरे कायम है ठीक है हाँ जी बच्चा मैंने ये स्टेटस लगाया एक्चुअली मुझे ये किसी स्टूडेंट ने भेजा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा मैंने कहा कमाल कर दी बच्चे ने ओके ओके तो गाइज वो सुबह इसी वजह से थोड़ा छुट्टी करना पड़ा था बिकॉज uh, मेरे को अपनी फैमिली को भी लेके जाना था मेरे को था कि चलो मैं जा रहा हूँ तो आई टेकन ऑल माई फैमिली मेम्बर्स फॉर वैक्सीनेशन तो बट हम लोग कल बटा अपने नॉर्मल टाइम पर मिलेंगे ठीक है आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं दोस्त टमोरो विल मीट नॉर्मल टाइम सारे बच्चे याद रखना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दस से लेकर दोस्त हम लोग यहाँ पर तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे तक ना डेढ़ घंटे की हमारी मैथ्स क्लास होगी कवर करूंगा राइट right? फिर हमारी अप्रॉक्सिमेटली इलेवन फोर्टी फाइव पे इलेवन फोर्टी फाइव से लेकर अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व फोर्टी फाइव पी एम तक फिर हमारी अकाउंट क्लास होगी जिसमें हम कैपिटल रेवेन्यू कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरा कल का रूटीन है बाकी आपका नौ बजे इको है सारे बच्चों को पता है नौ बजे इको सेम टाइम पे चलेगा एक बजे आपका लॉ लगेगा वो भी आपका सेम टाइम पे चलेगा राइट right, दोस्त तो बीच में जो मेरी क्लासेस हैं वो 10 से लेकर साढ़े ग्यारह मैथ जिसमें हम टेंडेंसी डिस्पोजिशन कवर करने वाले हैं और ग्यारह पैंतालीस से लेकर बारह पैंतालीस में हमने अकाउंट्स का कैपिटल रेवेन्यू आगे कंटिन्यू ठीक है भल्ला साहब आपकी फिटनेस को देख के उन्होंने मना कर दिया होगा बोलेगा भल्ला साहब को जरूरत ही नहीं है वैसीनेशन की चिंता मत करिए भाई उन्होंने मना कर दिया होगा बेटा हमारे भल्ला भला से कम थोड़ी है चलो दोस्तों मजाक हसी मजाक चलता रहेगा कल फिर मिलेंगे आप अपनी क्लास लॉ के बाद कर लो क्यों बच्चा मेरी आगे क्लासेस होती है बेटा बेटा इस गरीब को एक्चुअली मैं बताता हूँ भाई माय रूटीन स्टार्ट्स एट फोर थर्टी इन द मॉर्निंग मेरी सुबह साढ़े क्लास होती है और वो मेरी इंटर से स्टार्ट होती है आई टीच इंटर का अकाउंट्स तो बड़ा मेरी सारा स्कड्यूल पूरा जैम पैक्ड है राइट उसके बाद मेरी प्लस टू की क्लासेस होती हैं प्लस वन की होती हैं आई एम सॉरी आई कैनॉट चेंज द टाइम टाइमिंग नहीं मैं चेंज कर सकता ठीक है ओके माही आपकी सिटी कौन सी है बच्चा एक बार आप शर्मा जी को कॉल कर लो बच्चा सिटी कौन सी है माही आपकी बुक्स वगैरह बच्चा आई थिंक डिस्पैच हो चुकी हुई है सारी वंशिका जी मैं आई थिंक आप लोग शायद भटिंडा से हैं तो मैं आपका पता करवा देता हूं आई थिंक कि बुक्स या तो आज या कल डिस्पैच हो जाएंगी बड़ा थोड़ा सा कोरियर का भी इशू है आपको पता ही है हो जाएंगी बच्चा बुक्स डिस्पैच डोंट वरी अबाउट इट ओके एनीथिंग एल्स गाइस चलो दोस्त फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह दस बजे इन्जॉय करिए बेटा ओके मलोट कोई बात नहीं भाई बच्चा आई विल मेक श्योर आई जस्ट आस्क एक बार पूछता हूँ मैं अभी अभी कॉल करता हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको सारा आप एक काम करो बच्चा मुझे अपना एक मैसेज कर दो अपने नंबर से मेरे नंबर पे तो मैं अभी आपको बताता हूँ ठीक है अभी आपको स्टेटस बता देता हूँ चलिए बाय बाई गोईस गॉड ब्लेस यू बच्चा हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज स्टार्ट करा बाकी कल मिलेंगे ठीक है थैंक यू बाय बाय सी यू कल मिलते हैं दोस्तों